आपको खबर हरियाणा से देंगे, जहां सरकार गठन की कवायद तेज कर दी गई है। थोड़ी देर में दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है। चुनाव प्रभारी हरियाणा धर्मेंद्र प्रधान के घर पर ये बैठक होगी। सरकार गठन की आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। हरियाणा में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण संभव। 12 अक्टूबर मतलब दशहरे वाला दिन, और वो पर्व जो प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। उसी दिन बहुत संभव हरियाणा में 12 अक्टूबर को शपथ ग्रहण ले नई सरकार। और इस बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा एक्स पर पोस्ट किया है, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी पोस्ट की हैं इस मुलाकात की। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पोस्ट से अब साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि कमान नायब सिंह सैनी को ही हरियाणा की मिलने वाली है, क्योंकि नायब सिंह सैनी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने हरियाणा का ये विधानसभा चुनाव लड़ा। 10 साल से बीजेपी हरियाणा की सत्ता में, 9.5 साल बाद बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री के चेहरे को बदला। मनोहर लाल खट्टर की जगह कमान जो है वो नायब सिंह सैनी को दी गई। इसी साल मार्च में नायब सिंह सैनी को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया, और नायब सिंह सैनी ने अपनी कार्यशैली, अपनी कुशलता, अपनी विनम्रता, अपनी इन खूबियों और इन खासियतों के जरिए बीजेपी की हरियाणा में सत्ता में हैट्रिक ये सुनिश्चित करवा दी। नायब सिंह सैनी लगातार मीडिया के सामने जब आ रहे हैं तो साफ तौर पर श्रेय हरियाणा में बीजेपी की इस जीत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दे रहे हैं। नायब सिंह सैनी की तरफ से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं उसी की जीत हुई है हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति किसान के लिए, जवान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए और खासतौर से जो गरीब के लिए है, उसी पर हरियाणा की जनता ने मोहर लगाई है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नायब सिंह सैनी ने मुलाकात कर ली है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस समय मौजूद हैं और जरा उन्हीं से जानते हैं। नीरज, मुलाकात भी नायब सिंह सैनी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो गई है, तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? चेहरा तो नायब सिंह सैनी का ही था जिसको आगे रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा, तो फिर चयन विधायक दल की बैठक में ये तो महज एक औपचारिकता भरी रहने वाला है। बिल्कुल औपचारिकता रह गई है रोमाना, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट ने सब कुछ साफ कर दिया। इस ट्वीट में जो वर्ड उन्होंने लिखे हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिला और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई और शुभकामना दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नायब सिंह सैनी को लेकर अगर थोड़े बहुत कयास भी किसी ने लगाए होंगे तो उसको विराम लग गया है। अब महज विधानमंडल विधायक दल की बैठक एक औपचारिकता रह गई है, और प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक तरह से ये संकेत दे दिए हैं कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की सरकार चलने वाली है। रही बात आगे शपथ ग्रहण कब होगा, रोमाना मैं आपको बता दूं कि आज एक बैठक होने वाली है। उस बैठक का एजेंडा ही यही है कि आखिर मंत्रिमंडल क्या होगा, कब शपथ ली जाएगी, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन होंगे। और हो सकता है उस बैठक में नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहें, मनोहर लाल खट्टर भी बैठक में मौजूद रहें, और उसके बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ एक बैठक होनी है जिसमें सब कुछ सारे प्रपोजल्स रखे जाएंगे कि कार्यक्रम क्या होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा और उसमें कौन कौन शपथ लेगा। इन सभी विषयों पर वहाँ जेपी नड्डा के साथ उस बैठक में सारी चीजें क्लियर होगी। और कहा जा रहा है और सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं नीरज, आपके सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, जितनी ऐतिहासिक ये जीत बीजेपी ने हरियाणा में हासिल की, क्या शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य, उतना ही शानदार बनाने की तैयारी में बीजेपी, इसको लेकर कोई सुगबुगाहट पार्टी के भीतर कुछ चर्चा चल रही है? रोमाना देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव बड़ा ही मिस्ट्रीशियस रहा, बहुत ही ऐतिहासिक रहा। 2 महीने पहले तक जिस हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए 2 महीने में भारतीय जनता पार्टी ने उसे जीत में तब्दील कर दी। और जीत ऐसी वैसी नहीं, करीब करीब 10% वोट बैंक का स्विंग हुआ है। ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपने कैडर पे पकड़ है वो और मजबूत हुई है, जो माइक्रो मैनेजमेंट है उसको बहुत अच्छे से रखा गया। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने इसे इस तरह से सजाया कि 4 प्रभारी लगाए, 1 प्रभारी, 2 सह प्रभारी और
पूरे हरियाणा को चार सेक्टर में बांटा गया, इन चारों सेक्टर में एक एक आदमी की जिम्मेदारी दी गई और माइक्रो मैनेजमेंट किया गया, लोगों से बात की गई। और नायब सिंह सैनी की जो भूमिका रही वो सबसे महत्वपूर्ण ये इसलिए रही कि हर कार्यकर्ता से वो खुश हंसी मजाक से मिलना, लोगों से रूबरू होना, ये सबसे बड़ा कारण। एक तो पार्टी की वो बिल्कुल बारीक अंदाज में रणनीति पर काम करना और साथ ही साथ नायब सिंह सैनी की अपनी जो खूबियां थी, अपनी जो शख्सियत के पहलू थे, उसने इस तरीके से जो चुनावी हवा थी उसका रुख बीजेपी की तरफ मोड़ दिया कि विरोधियों को पता ही नहीं चल पाया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।